हाय गाइस, आज मैं शेयर करूँगी साथ माय टॉप कलेक्शन लिपस्टिक जो कि न्यूट से लेके डार्क स्टोन में एंड हर आउटफिट के साथ मैच होते हैं इजीली एंड हर गर्ल्स के पास मुझे लगता है ये सारे शेड होने चाहिए जो कि 100 से 200 के रेंज में आती है। प्लस ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की है। सारे डेटा मैं आगे के वीडियो में दूंगी, तो विदाउट एनी रीजन लाइक से स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो अच्छा लगे ना तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस माय फर्स्ट शेड इज़ कफ एंड लैशेज की लिपस्टिक, मैट लिप लिपस्टिक। इसका जो शेड है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, ऑल स्किन टोन में सूट होता है एंड इसका जो शेड है मैं आपको मेंशन कर दूंगी, लिंक दे दूंगी सारी चीज़ों का, आप इजीली बाई कर सकते हो। ये हर स्किन टोन में सूट होता है, सबसे बड़ी बात है स्मच प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है एंड सबसे बड़ी बात है ऑयल वगैरह चीज़ खाओगे तो ऑफकोर्स निकलेगी क्योंकि उतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो आप इसे कहीं भी बिगिनर हो, कॉलेज पार्टी जाते हो, कॉलेज वॉलेज में फंक्शन है तो भी आप इसे यूज़ करते हो, रोज़ डेली में भी यूज़ कर सकते हो। गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये शेड एंड मैं इसे कल ही मैंने मंगवाया था इसे, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है, आप इसे बाई कर सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट शेड है मेरा एलेटीन का ये शेड जो कि चॉकलेट न्यूट कलर में आता है। अगेन हर गर्ल्स के पास ये होना चाहिए क्योंकि ये कॉलेज में जा सकते हो, टॉप जींस पहनते हो आप तो हर आउटफिट के साथ ही मैच होता है, यहाँ तक कि आप इसे पार्टी में भी कर सकते हो। अगर कोई आपको लाइट कपड़े पहन रहे हो या कोई हैवी कपड़ा है, न्यूड शेड यूज़ करना चाहते हो, थोड़ा सा बोल्ड दिखे, इसका शेड इज़ सो ब्यूटीफुल एंड देन ये आपको ओनली 100 में आता है एंड इसका शेड बहुत ही प्यारा है। अगेन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, थोड़ा सा क्योंकि महंगा नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है क्योंकि ये ओनली 100 का आता है, नहीं वाटर प्रूफ है, आपका 3-4 घंटे ईजिली चल जाएगा। नेक्स्ट शेड है माई स्टे कोकी की ये लिपस्टिक, मेरी लिपस्टिक है, इसका जो शेड है मैं आपको मेंशन कर दूँगी अगेन एंड गाइस दिस शेड इज़ कोरल पिंक में है, जैसे कि इसमें ऑरेंजिस टाइप की शेड दी हुई है, जैसे एवरी डे यूज़ के लिए बेस्ट है। हर गर्ल्स की वैनिटी में ये पिंक शेड ज़रूर होना चाहिए, एवरी स्किन टोन में सूट एंड अगेन ये हर आउटफिट के साथ मैच होता है एंड सबसे बड़ी जैसे ब्लश की तरह आप यूज़ कर सकते हो एंड ये हर स्किन टोन में सूट होता है, अगर फेयर हो, मीडियम हो एंड डस्की हो। डस्की में थोड़ा सा ये वॉश आउट कर सकता है लेकिन फेयर टू मीडियम में ये बहुत ईजीली सूट होता है। तो या माय नेक्स्ट शेड इज़ ये, आप इजीली अपने वैनिटी में इस शेड को रख सकते हो, बहुत ही प्यारा शेड है। नेक्स्ट लिपस्टिक इज़ माय फेवरेट पर्पल की मेरी लिपस्टिक, रेड और पिंक का परफेक्ट मैच है ये। अगेन अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट कपड़ा पहनते हो ना उसके साथ आप ये मतलब लिपस्टिक कैरी कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा चार में चांद लगा देता है एंड अगेन ये हर स्किन टोन में सूट होता है, हर स्किन टोन, डस्की हो, फेयर हो, मीडियम हो, विस्टेज हो, सारे स्किन टोन में ये आपको रेड और पिंक का परफेक्ट मैच देता है। रेड लिपस्टिक लगाना चाहते हो तो भी इसे लगा सकते हो एंड पिगमेंट इज़ सो ब्यूटीफुल। ड्राई होने के बाद ये टोटली स्मच प्रूफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग गाइज, अगर आप इसे रिमूव भी करते हो तब भी इसका जो स्टेन है ना वो लिप में रह जाता। तो यार नेक्स्ट तो आप ये वैनिटी में ये शेड ज़रूर रखना, बहुत ही काम आने वाली है आपका ये शेड। नेक्स्ट शेड इज शुगर की मिनी लिपस्टिक। गाइस शुगर की चीज़ें ना हो लिपस्टिक में तो वो बात ही नहीं कि शुगर की लिपस्टिक काफ़ी इतनी अच्छी होती है। सबसे बड़ी बात है ओनली इसका जो रेट है वो 200 के करीब आता है एंड सबसे बड़ी बात है स्टेइंग पावर काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा स्टे करता है, जबकि बड़ी होता है रिमूव होने के बाद भी इसका स्टेन रह जाता है, इसलिए आपको अच्छे से रिमूव करना पड़ता है इसे। एंड गाइस अगर आप बहुत सारे लाइट कपड़े पहनते हो उसके ऊपर बहुत अच्छा लगे, सभी बातें इसकी सारे स्किन टोन में सूट करेगा, ये टोटल बोल्ड मरून कलर है। अगर आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर सकते हो आप। गाइस ये शेड आपके वैनिटी में ज़रूर होने चाहिए क्योंकि ये ऑल स्किन टोन में ये इजीली सूट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।